क्लास 9th आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन, इफ 3 to the power 2x - 8 अपॉन 225 इक्वल टू 5³/5 to the power x, देन x इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? आप लोग सॉल्व करके जरूर देखें एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास 3 की पावर 2x है और -8 है। माइनस कब होती है पावर? जब डिवाइड में होता है काम, यानी डिवाइड के अंदर रहा होगा 3 की पावर 8। इसी तरीके से रहा होगा तभी तो पावर्स माइनस हुई होंगी। तो उसकी जगह 3 की पावर 2x - 8 की जगह हम लोग 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर 8 लिख सकते हैं। फिर आगे बात आती है, अपॉन में 225 है तो 225 15 का स्क्वायर होता है, तो अपॉन में इसी के साथ 15 का स्क्वायर लिख दिया। साथ में था 5 का क्यूब था और 5 to the power x है, उनको ऐसे कैसे ही लिख दिया। तो अपने पास 3 की पावर 2x है तो हमने लिखा 3 की पावर 2x। तो जितने भी 3 वाली पावर्स हैं उनको एक तरफ कर रहे हैं, 5 की पावर जो भी रहेंगी उनको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास आ गया 3 की पावर 8। अब बात आती है 15 की। 15 कब बनता है? 5 × 3 से, 5 × 3 = 15। अब 15 की पावर 2 है तो पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी, ये वाला रूल था। तो 5 की पावर यहाँ पर 3 है अपॉन 5 की पावर x है। तो अब यहाँ पर 3 की पावर अपने पास आ गई 2x अपॉन, अब 3 की पावर 8 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 10 हो जाएगी। तो हमने लिख लिया 3 की पावर 10। रूल पता ही है सभी को कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। इसी तरीके से ये जो 5 की पावर 3 है ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 की पावर 2 पहले से ही है और ये 5 की पावर 3 और आ जाएगा, तो ये आ गया इसके पास 5 की पावर 3। तो यहाँ पर रह जाएगा 1 और ये अपॉन में 5 की पावर x। तो अपने पास आ गया 3 की पावर 2x। ये जो 3 की पावर 10 है इसको इसी के सामने, 3 वाले के सामने भेज देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 10। अब अपॉन के अंदर 3 की पावर 10 तो यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर जो 5 है, 5 दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो 3 और 2 5, तो 5 की पावर आ गई अपने पास 5 और यहाँ पर अपॉन के अंदर 5 की पावर x है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप लोग डायरेक्ट ही कंपेयर करके, 3 के सामने 3 है, 5 के सामने 5 है, तो सीधे ही आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू, यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो x इक्वल टू इसकी पावर 5 है, तो x इक्वल टू 5 इसका सही आंसर है। यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए 3 है ये, इसका बेस भी 3 है, तो 2x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो वही 5 आएगा, दोनों में सेम ही आ रहा है तो x इक्वल टू 5 होगा। लेकिन कुछ लोग कहें कि ये वाला नहीं, दूसरा तरीका करें, तो आप लोग इसको आगे और सॉल्व करके सिस्टमेटिक तरीके से भी सॉल्व आगे कर सकते हैं। ये जो 5 की पावर x है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अपने पास 3 की पावर 2x है, इसको हम लोग अलग चेंज कर सकते हैं, 3 की पावर 2 और साथ में x को अलग कर दिया। 2x है तो 2 × x, तो 2 × x, 2 को अंदर रख लिया, x को बाहर लिख लिया और 5 की पावर x को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। और इधर की बात करें, 5 की पावर 5 इधर ले आए और ये 3 की पावर 10, तो 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, 9 की पावर x और 5 की पावर x। इधर की बात करें 5 की पावर 5, इसे भी हम लोग 9 बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? 3 की पावर 2 और साथ में पावर 5, क्योंकि 2 5 = 10, तो 10 के हमने पार्ट कर लिए 2 और 5। तो हमें पता है एक रूल था कि बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो पावर क्या आ जाती है? कॉमन। तो 9 × 5, दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर क्या आ जाएगी? कॉमन बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से इधर अपने पास हो गया 5 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 की पावर 5 हो गया। तो यहाँ पर अपने पास 9 5 जो, ये 45 बन गया, 45 की पावर x है। और इधर की भी बात करें, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो वही पावर कॉमन आ जाएगा, 9 5 = 45, 45 की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास? 5। तो दोनों का बेस सेम है, दोनों इक्वल में है, तो पावर को कंपेरिजन करेंगे, पावर्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो x डायरेक्ट इक्वल हो रहा है किसके? 5 के। तभी तो दोनों इक्वल हो सकते हैं जब x इक्वल टू 5 होगा। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा? इससे भी आंसर 5 ही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।